हेलो फ्रेंड्स, अपन कह सकते हैं जैसे हमारे पास बहुत सारी लिस्ट होती हैं किसी आइटम की हो या किसी पर्सन के नेम की, तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं ऐसी लिस्ट को हमको एक्सेल के अंदर बहुत बार टाइप करना पड़ता है, बहुत ही लंबी लिस्ट होती है। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं मान लो ये लिस्ट आपकी ऑटोमेटिकली एक्सेल के अंदर एड हो जाए और बार बार आपको टाइप करने की जरूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं इस लिस्ट को अपन एक्सेल के अंदर कैसे एड कर सकते हैं, उसको अपन कह सकते हैं कैसे अपने काम को आसान कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेकलाइट चैनल में, जहां पे आप सीखेंगे एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी दोनों का ज्ञान। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं मैं बात कर रहा हूँ एक्सेल के अंदर कस्टम लिस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं एक्सेल के अंदर हम कैसे हम खुद की कस्टम लिस्ट को बना सकते हैं, जिससे हमारी कोई भी आइटम की लिस्ट हो या किसी पर्सन के नेम की लिस्ट हो डायरेक्टली हम एक्सेल के अंदर एड कर सकते हैं और अपने काम को आसान कर सकते हैं, जिससे हमको उस लिस्ट को बार बार टाइप करने की जरूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं इसको देखने के लिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं अपनी एक्सेल की शीट के ऊपर। तो एक्सेल के अंदर हमारे पास कैसे हम कस्टम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं या फिर एक्सेल के अंदर कौन कौन से कस्टम लिस्ट पहले से क्रिएटेड होती है और जो बनी हुई अपने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले संडे टाइप करता हूँ, तो संडे के बाद अपन कह सकते हैं मंडे ट्यूसडे वेनसडे होते हैं, तो ये सारे सारे अपने को टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो ये कस्टम लिस्ट पहले से बनी हुई है एक्सेल के अंदर, तो उसको अपन कह सकते हैं कैसे हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे इस लिस्ट को। तो अपन कह सकते हैं इस ऑटोफिल हैंडल को मैं क्लिक करके नीचे ड्रैग कर लेता हूँ और आपको जहाँ तक लिखना है अपन कह सकते हैं आप वहाँ तक ट्रैक करते रहिए, तो आपकी वो लिस्ट को अपन कह सकते हैं एक्सेल ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं जो संडे मंडे की जो कस्टम लिस्ट है वो एक्सेल के अंदर कंप्लीटली फीडेड है और वो अपन कह सकते हैं पहले से बनी हुई, और एक्सेल को पता है कि संडे के बाद मंडे आएगा ट्यूसडे आएगा तो उसके बाद उसको क्या लिखना है। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं इसका एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं, मैं यहाँ पे आपके फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं जनवरी लिखता हूँ, JANUARY। तो अपन कह सकते हैं जनवरी के बाद फरवरी आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, तो ये सारी सारी चीज़ें अपन कह सकते हैं अपने पास जो एक्सेल को मालूम है। तो जब भी मैं इसको ट्रैक करूंगा फ्रेंड्स, तो ये ट्रैक करने पर अपन कह सकते हैं ऑटोमेटिकली उस लिस्ट को फिल कर देगा और एक्सेल को मालूम है कि उसके बाद अपने को क्या लिखना है। तो मान लो फ्रेंड्स अगर आप ये लिस्ट अपनी मार्च से स्टार्ट करते हैं तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये सारे सारे आपके पास ऑटोमेटिकली फिल करके लिख देगा। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्सेल के अंदर जो ये कस्टम लिस्ट कहाँ पे बनी हुई, और मान लो अगर आपको खुद ही कस्टम लिस्ट बनानी है तो आपको कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं आपको सबसे पहले जाना है फाइल के अंदर, तो फाइल के अंदर जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे ऑप्शन का ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन के अंदर जाना है फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं एडवांस के अंदर। तो फ्रेंड्स अब जैसे ही आप एडवांस के ऊपर क्लिक करोगे तो इसके अंदर सबसे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है तो एडिट कस्टम लिस्ट का, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो एडिट कस्टम लिस्ट के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पहले से यहाँ बहुत सारी कस्टम लिस्ट बनी हुई है। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं ये जो सारी कस्टम लिस्ट है तो ये सारी कस्टम लिस्ट मेरे पास बनी हुई, तो आप जैसे मान लो यहाँ पे मंडे ट्यूसडे लिखा हुआ वो शॉर्ट में लिखा हुआ है तो वो आपके पास यहाँ पे देख सकते हो, आपके मंडे ट्यूसडे अपन कह सकते हैं लॉन्ग में लिखा हुआ है। तो मान लो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं आपको खुद की लिस्ट बनानी है तो आप खुद की लिस्ट कैसे बना सकते हो। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं यहाँ पे खुद की कस्टम लिस्ट बनाने के दो तरीके हैं, पहला तरीका तो है न्यू लिस्ट के ऊपर जाना है और आपको जो भी लिस्ट बनानी है वो नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है। फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं मान लो यहाँ पे मैं कुछ सॉफ्टवेयर की लिस्ट बनाता हूँ, सॉफ्टवेयर की जैसे अपन कह सकते हैं मैंने यहाँ पे वर्ड लिख दिया, मैं यहाँ पे कोमा करके लिखता हूँ, फिर एक्सेल, एक्सेल के बाद लिखता हूँ मैं पावर पॉइंट, पावर पॉइंट के बाद मैं लिखता हूँ फोटोशॉप, फोटोशॉप के बाद लिखा मैंने जैसे कॉरल ड्रॉ और फिर लिखता हूँ मैं एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं इस तरीके से आपको जो भी लिस्ट बनानी है या फिर अपन कह सकते हैं जो भी आपके नाम है वो इस तरह से आप टाइप कर सकते हो। टाइप करने के बाद आपको करना है जस्ट ऐड के ऊपर क्लिक। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं जैसे आप ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो जो भी आपकी लिस्ट है वो बन के तैयार हो जाएगी और फिर आपको करना है फ्रेंड्स ओके के ऊपर क्लिक और नेक्स्ट आपको वापस करना है ओके के ऊपर क्लिक। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं इस तरीके से मैंने अपनी सॉफ्टवेयर की लिस्ट है जो मैंने यहाँ पर तैयार करके रख दी है, तो जब भी मेरे को आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर की लिस्ट बनानी है तो मेरे को बार बार सारे के सारा नेम टाइप करने की जरूरत नहीं है, मेरे को बस कोई भी एक नेम टाइप करना है। जैसे मैं चाहता हूँ मेरे को वर्ड टाइप करा मैंने, तो वर्ड के बाद जैसे ही मैं अपन कह सकते हैं इस वर्ड को ट्रैक करूंगा तो ट्रैक करने पर क्या होगा जो भी मेरे नेक्स्ट के जो नेम थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे। तो मान लो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर एक्सेल से अपनी लिस्ट को टाइप करना चाहता हूँ तो एक्सेल से क्या होगा, तो अगर मैंने यहाँ पे एक्सेल लिखा और एक्सेल को मैं ट्रैक करता हूँ तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं एक्सेल से आपके नेम को लिख देगा। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं इस तरीके से आप किसी भी कस्टम लिस्ट को बना सकते हैं जिससे आपका काम आसान हो जाए और बार बार आपको उस लिस्ट को टाइप करना ना पड़े। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं ये था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका आपके पास क्या है, आप किस तरीके से कस्टम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने आपके सामने एक लिस्ट बना के पहले से रख दी है कुछ नेम्स की है, जैसे मोहन है, सोहन है, किशन है, राम है, कुणाल, दिनेश वगैरह। तो इन तो मान लो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं इन सबको मेरे को कस्टम लिस्ट के अंदर ऐड करना है, तो जब भी मैं इन नेम को लिखना चाहूँ तो मेरे को बार बार इन नेम को टाइप करने की जरूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं इन नेम को अगर मेरे को कस्टम लिस्ट के अंदर ऐड करना तो उसके लिए मैं जाऊँगा आपके पास वापस फाइल टैप के अंदर, फाइल टैप के अंदर जाने के बाद मैं जाऊँगा ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस के अंदर एडवांस के अंदर जाना है
और इसके सबसे डाउन में आपको सबसे नीचे मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट। अब अपन कह सकते हैं न्यू लिस्ट तो आपने टाइप करके तो देख लिया था फ्रेंड्स, अपन कह सकते हैं नेक्स्ट जो तरीका है वो अपन कह सकते हैं मेन लिस्ट को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरे पास आपको आइकन दिख रहा है इस आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है और जो भी आपकी लिस्ट है उस लिस्ट को आपको सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स। लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद वापस से इस आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है और फिर आपको करना है इंपोर्ट। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं जैसे आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे तो आपके जो भी नेम थे वो आपको यहाँ पे टाइप किए हुए आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब आपको करना है फ्रेंड्स ओके और फिर करना वापस ओके। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं जैसे ये नेम है इन सब नेम को मैंने यहाँ से डिलीट करके रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जैसे अपन कह सकते हैं सोहन, तो मैंने सोहन लिखा। कोई भी एक नेम आपको याद रखना है जहाँ से आपको स्टार्टिंग करवानी है, जैसे मैं मोहन लिखता तो मोहन से स्टार्टिंग करता, मैंने सोहन लिखा और सोहन को नीचे ट्रैक कर दिया। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे जो भी नेम थे वो ऑटोमेटिकली आ गए। अब मान लो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं मैं यहाँ पे सोहन लिखता हूँ और सोहन के बाद में यहाँ पे किशन लिखने के बजाय राम लिखता हूँ। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं मैंने सोहन के बाद में जो किशन नेम एक नेम छोड़ के लिखा है, अब इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं नीचे ट्रैक करता हूँ। फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं एक्सेल डायरेक्टली समझ जाएगा कि आपको किस तरीके से नेम की सीरीज लिखनी है, तो वो ऑटोमेटिकली नेम की सीरीज आपके वन बाय वन आपको देता रहेगा। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं अब आप समझ गए होंगे एक्सेल के अंदर आप कैसे कस्टम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो और बहुत ही आसान सा तरीका है जो आपके काम को आसान कर देगा। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं आप अपनी खुद की कस्टम लिस्ट को बनाइए और अपने काम को आसान करिए। तो फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे कैसे हम खुद की कस्टम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और एक्सेल के अंदर ऐड कर सकते हैं और अपना जो भी काम है उसको बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं, जैसे हमको बहुत सारी जो लंबी लंबी लिस्ट है बार बार टाइप करने की जरूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं आज की वीडियो आपको कैसे लगी, और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है, क्वेश्चन है तो प्लीज हमको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।